उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के अपने ही विधायक रामपाल के ऊपर की गई कार्रवाई पर बीजेपी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और सरकार पर ऐसे नेताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि अपने नेताओं पर सख्त कार्रवाई कर सरकार ने नजीर पेश की है। अपने ही विधायक रामपाल पर की गई कार्रवाई के बाद सपा सरकार घिरती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि विधायक रामपाल जब तक सपा में रहे बिल्डिंग बनती रही और जैसे ही उन्होंने बगावत की वैसे ही उन्हें निशाना बना लिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि कई सपा विधायकों ने अवैध निर्माण किए लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस वर्तमान सरकार में पूरी तरह से जंगल राज है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। जो समाजवादी पार्टी का होगा वो कुछ करे, जो उसकी इच्छा हो, खुलेआम वो गुंडागर्दी करे, खुलेआम वो जमीनों पर कब्जा करे, उसको पूरी छूट है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि सिर्फ रामपाल ही नहीं, सपा के और भी तमाम विधायक और सांसद हैं जिन्होंने अवैध कब्जे किए हुए हैं, उन पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष जो भी निर्णायक पदों पर बैठे हैं वो ज़्यादातर अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियाँ बनाए हुए हैं, अवैध निर्माण किए हुए हैं, तो वो सबकी जाँच होकर गिराया जाना चाहिए। केवल एक व्यक्ति गिरा दिया तो उससे कोई वाहवाही नहीं मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक सांसद ज़्यादातर कब्जा किए हुए अवैध। सरकार के ही तीन विधायकों पर अवैध निर्माण और सरकारी जमीन कब्जे के आरोप हैं। विधायक शारदा प्रताप शुक्ल पर आरोप है कि उन्होंने एलडीए की 10 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर इस पर दुकानें बनवा ली। तो वहीं सपा के शाहजहांपुर जिले की पुमाया सीट से विधायक शकुंतला देवी पर आरोप है कि उन्होंने गुमती नगर विस्तार के सेक्टर 1 में आवासीय प्लॉट पर 4 मंजिला होटल बनवा लिया। एक बार इसको एलडीए ने सील भी किया था लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा मामला है इंदल रावत का जो मलिहाबाद सीट से सपा विधायक हैं। उन पर आरोप है कि इन्होंने आवास विकास की जमीन पर कब्जा कर रखा है। पंकज मिश्रा, लखनऊ, एपीएन।